आधे इधर जाए आधे उधर जाए और जो गधे हैं वो बीच में। पता नहीं क्यों गधे लोग एकदम बीचों बीच रोड में खड़े होते हैं। थोड़ा बहुत जो दिक्कत देख के क्या बोलेंगे, क्या छोटी बच्ची हो क्या? वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। थोड़ी सी हम दोनों की तबीयत खराब है, मेरी और मेरी बेटी की। तो आज ना लगभग 10 दिन से 12 दिन हो गए और उसकी सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही है। खांसी उतना ज्यादा नहीं आ रहा है लेकिन हाँ सर्दी है उसको और उसको बार बार नोजी आ रहा है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अगर मान लिया चेस्ट में जकड़न हो गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, इसलिए हम लोग एक बार डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं। एक रूटीन टाइप का विजिट भी कर लेंगे, साथ ही साथ में कुछ स्टीम वगैरह के लिए बेस्ट एंड बेटर एडवाइस भी ले लेंगे। तो इसलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं इनको लेके। पीछे बैठी हुई है अपने चाचू के पास, बिल्कुल ये तो इस इग्लू बनी हुई है, जैसे स्नो में रह रही हूँ और इग्लू बन के बैठी हुई है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, चल रहे हैं और मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। हेलो, मेरा बेटू घूमने जा रहा है। ये देखो गोल्डन आवर का ये धूप है जो चेहरे पे पड़ रहा है। इन्हीं की बेइज्जती हुई है लास्ट वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपने सिया की कथा ब्लॉग का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बॉल पे क्लिक करके देख सकते हैं। आई बॉल पे नहीं, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी बेटू सो रही है क्योंकि आज इनकी निन्नी पूरी नहीं हुई है। मतलब मैं इनको सुला रही थी लेकिन ये सोई नहीं। इनका फर्स्ट क्राई से बहुत सारा कपड़ा आया है तो ये खुश हो गई, वही देखने में बिजी हो गई और सोई नहीं है। ये अभी सो रही है, डॉक्टर के पास पहुंचते ही जग भी जाएगी दोबारा बेचारी। मैं सोच रही थी ना कि खुद को भी दिखा दूं, मतलब डॉक्टर को बोल दूं कि आप कुछ थोड़ा बहुत मेडिसिन मुझे भी दे दीजिए। हालांकि वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यार थोड़ा बहुत जो दिक्कत, क्या बोलेंगे, क्या छोटी बच्ची हो क्या? कह दूंगी यार छोटी बच्ची समझ लो लेकिन दवा दे दो थोड़ी बहुत। एक्चुअली पूछना है ना कि स्टीम बच्चे को दिला सकती हूँ क्या साथ में यूकेलिप्टस ऑयल वगैरह डाल के। ये है हमारे हीरो साहब गाड़ी चलाते हुए इतने झटके। हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे डॉक्टर के यहाँ। जो गधे हैं वो सीधे हैं, उसका कहना यही था। रोड के बीच में। अच्छा मैंने ये चीज देखा है कि पता नहीं क्यों गधे लोग एकदम बीचों बीच रोड में खड़े होते हैं, क्यों ऐसा? एक्चुअली उनका कहना ये है आधे इधर जाएं आधे उधर जाएं और जो गधे हैं वो बीच में। तो प्लीज आप इधर उधर ही रहिएगा, बीच में नहीं। छोटू भाई जा रहे हैं नंबर लगाने, बहुत हीरो बनते हुए एकदम। स्कूल इनको नहीं जाना होता है, इनको सिर्फ हीरो बनना रहता है। अभी को बच्चों की छुट्टी हुई है ना तो इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ है। तो हम लोग भेज दिए हैं छोटू को कि आप जाओ नंबर लगाओ और हम लोग अभी जब नंबर आने वाला रहेगा तब जाएंगे और डॉक्टर को दिखा देंगे, तब तक गाड़ी में ही बैठेंगे। तुम मम्मा के पास हो का, तुमको कैमरा दिख गया का? क्या नंबर बा? अभी लंच पे बात है, 2 बजे लंच पे रहा है ना। हाँ 3 बजे तक आई है। 83 नंबर चला था, 89 हो। कौन मजा कर रहा है? हेलो हेलो, ये मेरा गुड्डू, ए बेटा, ये मेरी गुड़िया। ओहो तुरंत प्यारू हो जाता है ना, क्यूटू क्यूटू मेरा बच्चा है। देखिए इधर देखो, नानी चल दे प्यास। ये कितने का है?
ये खुश बहुत है डक लेके, बस इनको पता नहीं है कि इसके साथ क्या करना है। हाय गाइस, दिखा चुके हैं डॉक्टर को और ये सो गई है। अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं और डॉक्टर ने देखा, बोला बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है ऐसा कोई, मुझे बस डर था ना कि चेस्ट में जकड़न ना हो जाए, पर उन्होंने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरीके से जकड़न नहीं होगा, थोड़ा सा बचा के रखो ठंड से। और उन्होंने नॉर्मल सलाइन वगैरह दिया है नाक में डालने के लिए, वो दवा जो होती है, तो वो नाक में डालेंगे और थोड़े से ताकत वाकत की दवाएं, मतलब डॉक्टर लोगों का ये होता है ताकत की दवाएं दे देते हैं। हाय गाइस, रात के बज रहे 9:30 और हम लोगों ने खाना खा लिया है। और आपने क्या खाया है? आपने क्या खाया है आपने? तो इन मैंने खाना खा लिया और इन्होंने दूध पी लिया और इनको नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर ने दवा दिया है इनको नाक में डालने के लिए, तो अभी इनको डालूंगी रात में। और यार रात हो ही गई है, अब इनको सुलाना है, सो नहीं रही है। देखो कितना अच्छे से मेरा बाल पकड़ी हुई है ऐसे कर। मम्मा को प्यारू कर लो, मम्मा को अच्छी अच्छी प्यारू कर लो, अच्छी अच्छी प्यारू कर लो। अच्छे प्यारो कर लो। तो हम लोग का ये पूरे दिन चलता रहता है और मुझे स्टीम लेना है और इनको मैं कुछ, कितना अच्छे से पकड़ी है, देखो 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 देखो, छोड़ दी देखो ये पकड़ी फिर से पकड़ी, इतना अच्छे से पकड़ी रहती है ना कि ये कहीं गिर ना जाए। अरे बिस्तर पे सोए हुए हो, कैसे गिरोगे? मुंह क्यों खुला है भाई? तो हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे मैं कब से इसके ऊपर लेटी हूँ, नहीं मेरा आज मुंडी हवा में है। अरे बापरे, आंखें निकाल दी बाहर। तो हम लोग बहुत अच्छे से आ गए, ऐसा ही रहा हमारा हॉस्पिटल डे। मैं सिर्फ पानी पूरी खाई थी और कुछ नहीं, मुझे पानी पूरी खाना पड़ा क्योंकि मैं बिना पानी पूरी के नहीं रह पाती हूँ। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और क्या करें, अब व्लॉग एंड करें, व्लॉग एंड कर दो। मेरा इतना गंदा सा चेहरा आ रहा है ना, मोटा मोटा सा, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे मेरी बच्चू बहुत प्यारी है। ये देखो जरा, सिया के लिए कितना सारा सामान, कितना सारा कपड़ा है। सिया के लिए मैंने ना ढेर सारा ठंडियों के कपड़े मंगाए, इसमें ये देखो बहुत सारे ठंडियों के कपड़े मंगाए हैं। ये देखिए इतने क्यूट क्यूट बच्चों के कपड़े आते हैं ना, और ये लड़की इतनी खुश है अपने सारे कपड़े देख के। और ये भी कपड़ा बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर सा है ये भी। तो अगर मान लिया आपको सिया के कपड़े पसंद आते हैं और मुझे, मतलब अगर आपको इनके लिंक चाहिए ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी,
मैं मैक्सिमम कपड़े फर्स्ट क्राई से ऑनलाइन मंगवाती हूँ बहुत रिसर्च करके, तो ये बिल्कुल ओके टेस्टेड कपड़े हैं, तो आप अपने बेबी के लिए ज़रूर मंगा सकते हैं अगर आपका मन हो और अगर आपके बेबी के लिए आपको ज़रूरत हो तो आप मंगा सकते हैं। फर्स्ट क्राई इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर किड्स एप्रल्स एंड क्लोथ्स, बहुत ही अच्छे, उनके प्राइस रेंज भी रहते हैं, ऑफर्स भी चलते रहते हैं और इस समय विंटर सेल वगैरह तो चली रही है। तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्राई से स्पॉन्सर्ड नहीं था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो एक न्यू मम्मा आपको दे रही है। तो आप परचेज कर सकते हैं और मेरे प्रीवियस व्लॉग्स को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच यार, बड़ा मजा आया यार कि आपने इतना प्यार दिया मेरे व्लॉग को, और इससे ना बड़ी मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियो बनाने की और भी वीडियोस डालने की और आप लोगों के साथ में और भी ज्यादा कनेक्ट होने की। और मैं इनका चेहरा दिखा दूं, ये मुझे कैसे देख रही है, एक मिनट, और ये देखो, ये मुझे ऐसे देख रही थी, ये मुझे देख रही थी लड़की, ये लड़की मुझे देख रही थी। ये लड़की मुझे देख रही थी। तो मेरा ना कमरा इतना बिखरा पड़ा है ना, ये सब मुझे समेटना है। एक्चुअली ये दोनों जो है ना, इन दोनों को मुझे एक्सचेंज करना है, एक एक नंबर बड़ा साइज मंगाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी बड़ी होती है, लड़की बहुत जल्दी बड़ी होती है, बहुत जल्दी एक महीने में बड़ी हो जाती है। इधर छोटा छोटा बेबी मैं लेके आई थी हॉस्पिटल से, इतना बड़ा बड़ा बेबी हो गया। तो अगर ऐसे ही बात करती रही तो बहुत ज्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा। और ये देखो मेरा बाल कितना खींची है, बहुत खींची है मेरा बाल। और मैंने ना संडे को हेड वॉश भी नहीं किया था क्योंकि मुझे सर्दी थी, मैं नहीं चाहती थी और भी ठंड लगे और भी सर्दी बढ़ जाए, तो मुझे एक दो दिन में हेड वॉश भी करना पड़ेगा। सो उनका डक कैसा लगा, इनके लिए डक लिया है मैंने। अभी तो ये कुछ बोल नहीं पाती है कि मम्मा मुझे ये लेके दो, पापा मुझे ये लेके दो, पर फिर भी यार बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के लिए लेना। और क्या हुआ अगर नहीं बोल पाती है तो हम खुद खरीद देंगे। तो चलते हैं, 10 बजने वाले हैं और वीडियो को एंड करते हैं। इनको मैं पूरा अंधेरा करूंगी, बिल्कुल ये फेरी लाइट्स वगैरह सब बंद हो जाएंगी, पूरा अंधेरा करूंगी, उसके बाद इनको सुलाऊंगी। थोप थाप के इनको सुलाना पड़ता है क्योंकि इनको जल्दी नींद नहीं आती है, इनको मेरी तरह ऐसे जगना होता है और बात करना होता है जैसे मैं करती हूँ, तो मेरी बेटी है ना, लेकिन इनको छुलाना पड़ेगा, अगर ये छुएंगी नहीं तो फिर ये बरी नहीं होंगी, है ना, अगर आप छोगे नहीं तो बड़े कैसे होगे, बड़े होने के लिए छूना बहुत जरूरी है। उठ के जा रही है, करके दम लगाती है उठने के लिए, कैसे 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 कितनी खुश हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ब्लॉग को एंड करते हैं, और प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा यार, बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में और मुझे बहुत मजा आता है एक्चुअली, तो एक लाइक दे दीजिएगा, मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।